नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। और बात कर रहे हैं हम आज की सबसे बड़ी खबर। मुंबई में चलती ट्रेन पर चढ़ने के चक्कर में कई बार लोग प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म के अलावा पटरी के बीच में आ जाते हैं ऐसे लोग। तो क्या वजह है कि आखिरकार मुंबईकर्स अभी तक सावधान नहीं हो रहे? जी हाँ, एक बार फिर से एक बड़ी घटना निकल कर आ रही है जो है दादर से। आप देख सकते हैं दादर स्टेशन का है प्लेटफॉर्म नंबर 2, जहां से हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ये घटना है फिलहाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दादर से स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक बड़ी दुर्घटना हुई जो कैमरे में कैद हो गई। क्या हुआ था आखिर? तो सबसे पहले बता दें, चढ़ते ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में मुंबई में कई बार लोग प्लेटफॉर्म पर गिरे पड़े दिखते हैं। ये है दादर ब्रिज का सीन, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से गर्दी। दादर में ज़्यादातर गर्दी होती है इसलिए क्योंकि वहाँ पर सेंट्रल वेस्टर्न की लाइनें होती हैं जहाँ पर लोग ट्रेवल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि वो अपनी जान को भी दाव पर लगा दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ लोकल ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म से रवाना हुई, एक शख्स ने दौड़कर उस पर चढ़ने का प्रयास किया। असंतुलित होकर वह व्यक्ति गिर पड़ा और इससे पहले कि वह पटरियों पर पहुंचता, मौके पर खड़ा एक टीटी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी जान बचा ली। रेलवे स्टेशन पर यह चमत्कार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और उस व्यक्ति की जान बच गई। सेंट्रल रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ड्यूटी के दौरान नागेंद्र मिश्रा नामक एक सीनियर टिकट एग्जामिनर ने एक यात्री को चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में गिरते देखा और तुरंत बड़ी ही मुस्तैदी के साथ उस टीटी ने तेजी से आगे बढ़कर नीचे गिरे हुए व्यक्ति को घसीट लिया। नागेंद्र मिश्रा की सूझबूझ, बहादुरी और तत्काल कार्रवाई की वजह से आज उस व्यक्ति की जान बच गई। हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोग समझदारी से काम करें